हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अजहर भाई ना बड़े तेज हैं। इन्होंने आइडिया से देख लिया था कि देखो लंबा सोफा एक ही है, सिंगल सिंगल दो हैं, तो आएंगे तो इसलिए मुझे सिंगल बैठेगा। हेल्प आउट कर दिया इन्होंने। अच्छा आपको ऐसा किया था थोड़ा सा? हाँ ऐसा किया था। ऐसा नहीं किया, जाके रॉकिंग जगह बैठना, ऐसा नहीं किया। तो मैं आप सबको बता दूं कि इस फिल्म में इमरान हाशमी जो हैं वो अजहर भाई का किरदार निभा रहे हैं। अजहर भाई मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपको जब पता चला कि आपका किरदार इमरान निभा रहे हैं तो आपको डर नहीं लगा कि अपनी तरफ से 3-4 चुम्मियां फिल्म में डाल देंगे ये? इसमें डर लगने की कोई बात ही नहीं है सर, उनका वो रेपुटेशन ही तो ऐसा, तो डरने वो तो होना ही है ना सर, अगर वो नहीं रहेगा तो फिर आप लोग कोई एंजॉय करेंगे नहीं। लेकिन नहीं, मजाक अलग, बट मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मेरे ख्याल में इमरान भाई ने बहुत बहुत मेहनत की और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने, मैंने जो भी बताया क्रिकेट में खेलने के लिए बहुत अच्छा उसको अडेप्ट किया, और मैं समझता हूँ कि अब जब पिक्चर देखेंगे तो आप एंजॉय करेंगे, ऐसा लगेगा कि अजहरुद्दीन ही बैटिंग करें। क्या बात है। अच्छा प्राची, मेरे ख्याल से इमरान के साथ आपकी ये सेकंड फिल्म है जी। तो पहली में ये गैंगस्टर थे जी। इसमें ये क्रिकेटर हैं, तो आपको इन दोनों करेक्टर्स में फर्क साफ नजर आ रहा है कि किरदार कैसा भी हो ये लगे रहते हैं? एक जो उस फिल्म में मुझे मौका नहीं मिला, उस फिल्म में 0 रन बनाए थे मैंने, इसमें 3-4 रन तो बनाए लिए। कहने का मतलब ये है कि प्लेयर अच्छा हो तो मौका मिले तो वो बाउंड्री कराई देता है जी। प्राची के विचार जानना चाहेंगे इस मौके पे। इस बार ये फाइनली लकी हो गए। सो इस बार ये लकी रहे हैं जी। तो आप लकी मानती हैं अपने आपको के आप क्या, आपको क्या लगता है? ये नरगिस के साथ लकी हुए हैं। तो नरगिस किन के साथ लकी हो रही है मतलब? अच्छा मतलब आपस में लकी हो रहे हैं। हाँ बेसिकली। चलिए बहुत अच्छी, इतना सारा लक फैक्टर है तो फिल्म को सुपर हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। पर हमें भी अजहर भाई बहुत इंतजार है कि जब आपकी ये फिल्म आए तो हम देखने जाएं सब, और बहुत बहुत मुबारक आपको। और वाह 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 वाह, सबको मेरा नमस्ते जी। बड़े सही टाइम पे आया तू यार, जब भाग के फटाफट 4 कप चाय लेके आ जा। आप थोड़ा सा शट अप करेंगे? आपको तमीज नहीं प्रोड्यूसर के साथ कैसे बात की जाती है? कौन सा प्रोड्यूसर भाई, कौन सी फिल्म बना रहा तू? मैं ब्रेन लारा पे फिल्म बनाने जा रहा हूँ। ब्रेन लारा साहब आ गए? ब्रेन लारा साहब आ गए, लारा दत्ता आई है यहाँ पे। लारा दत्ता ही? ओहो सॉरी सॉरी, चलो कोई बात नहीं, इनका हम लारा लारा यूज कर लेते हैं। ब्रेन मेरे पास वैसे बड़ा है। गंदा जो गंदा गंदा। तो ब्रेन लारा फिल्म बनाएगा, तेरे को वेस्ट इंडीज जाना पड़ेगा, तेरे पास पैसे हैं इतने? चलो ठीक है, फिर मैं क्रिस गेल साहब पे फिल्म बना लेता हूँ। अजहर साहब उसके पास भी मत जाना, तेरा चौके जैसा मुंह मारेगा बहुत तेरे को वो। हेलो हेलो जी, वेरी नाइस, इतने सारे लोग आए हुए हैं, इमरान हाशमी भी आए हुए हैं। बेटी सरला बाहर नहीं आना। ओहो डॉक्टर साहब, ये फिल्मों में हाइपर होते हैं, वैसे भी बड़े शरीफ हैं ये। मेरे को पता, ये तो शरीफ है, मेरी बेटी पे मुझे भरोसा नहीं है ना। सिद्धू साहब वो तो कप्पू के साथ इतना कंफर्टेबल हो जाती है, ये तो फिर भी इमरान हाशमी है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो क्यों ना मैं थोड़ा सा चेकअप वगैरह कर लूँ। अजहर साहब बैठे हैं, मैं इनका ईसीजी करना चाहूंगा पहले। ईसीजी? ईसीजी करिए। बोलिए ई ई सी सी। बोलो जी। जी हो गया आपका, ठीक है। आज थोड़ी सी टाइम की किल्लत है, वरना अगली बार जब आप आएंगे तो मैं A to Z सारा चेक कर दूंगा। आप एक मिनट खड़े होइए इमरान साहब, आइए प्लीज बैठिए। आप डॉक्टर साहब एक मिनट भाई, काम चल रहा है, चेकअप हो रहा है। क्या इनको क्यों बिठा रहे? बैठो जी बैठो, कम्फर्टेबल? ये क्या करके रहे हैं आप? मैं स्टूल टेस्ट कर रहा हूँ, स्टूल टेस्ट कर रहा हूँ। अरे बहुत बिजी डे है भाई, बहुत कुछ करना है। ओहो एक मिनट, आप अपनी पल्स दीजिए प्लीज। दीजिए प्लीज, चेक कर सकते हैं।
Very nice. क्या हो रहा है? ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर। उनका तो ठीक है, ठीक लग रही है वो। उनका ठीक है, मेरा हाई हो गया। छोड़िए उनको, छोड़िए उनको। हमारे मेहमान तंग कर रहे हैं आप। बदतमीज डॉक्टर, पता नहीं काय का डॉक्टर है ये। हाई हो गया मेरा बहुत ज्यादा। मेरे को आज तक किसी ने इतना नजदीक से टच नहीं किया ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है? ये आपका स्टोरी, ये प्लीज कैरी ऑन, ये प्लीज कैरी ऑन। मैं जरा एनेस्थीसिया लेता हूँ। भाई इसकी ना दुकान नहीं चल रही इमरान भाई, इसको पता नहीं बेचता कैसे, या तो इसको बेचना नहीं आता जी। इसको कुछ सिखा दो यार अपने कुछ टोटके, इसको भी कुछ थोड़ा ग्लैमर आ जाएगा इसकी दुकान पे, थोड़ा इसकी चाय चलती नहीं है। कम प्राची, एक चाय देना प्लीज। चाय क्या मैडम, आपके लिए तो जान हाजिर है। चीनी थोड़ी कम कर दो। आपके होंठों से लगकर कुछ मीठी हो जाएगी। ये देख, ऐसे बेचते जाए। आइए यहाँ पे आप, ऐसे बेच रहे हैं। इनके साथ ट्राई कीजिए अभी। आपकी नंबर। अच्छा अच्छा, आइए। चाय गिर जाएगी। एक मिनट मेरे को थोड़ा सेट होने दीजिए। हाँ जी मैडम, एक चाय देना भैया। मैडम आपने डायलॉग खराब बोल दिया है, मूड भी खराब कर दिया आपने। अच्छा ठीक है, एक और ट्राई जी। एक चाय देना प्लीज। चाय क्या, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। तो दे दो। नकल में अकल चाहिए गुरु, अकल चाहिए। तेरे को एक सलाह देता हूँ, इधर ना राजधानी एक्सप्रेस निकलती 5 बजे, उसके नीचे आके मर जा। आओ आइए सर आप प्लीज, ये पागल आदमी है। तो लारा जो है बॉलीवुड से हैं और महेश जो हैं वो टेनिस प्लेयर हैं। आपके घर में कुछ नहीं, उन लगा के दिया ना, उनको लगता है कि यूज भी करना, बीच में बात चल रही है यार कोई। लारा आपने एक स्पोर्ट्समैन से शादी करी है जी। बॉलीवुड में जो अभिनेत्रियां होती हैं, जहाँ तो क्रिकेटर से शादी होगी, जैसे आपने महेश जी से शादी की, ऐसा क्यों होता है, मतलब ये ऐसा ही क्यों? आई डोंट नो, लेकिन ज़्यादातर से जितने सारे पहले की अभिनेत्रियाँ थी उन्होंने सारे क्रिकेटर्स को ले लिए, तो टेनिस एक बात बचा था। फिल्म का ट्रेलर आप सब लोगों ने देखा ही होगा, फिल्म में इमरान भाई एक खास चाल चलते हुए नजर आ रहे हैं, जो जाहिर सी बात है वो अजहर भाई की चाल है। लेकिन अभी हमारी ऑडियंस की ऐसी डिमांड है, उन्होंने मुझे आते पहले कहा था कि हम इमरान से वो वॉक जरूर देखना चाहते हैं जैसे अजहर भाई चल के मैदान में आते हैं। हो जाए, आप तो आ गए, बकरियां कहाँ हैं? आपका क्या नाम है भाई साहब? आनंद। आनंद लेते हैं? बहुत बहुत लेता हूँ। आनंद आप कहाँ से आए हैं? थाने से। आपने आज लारा दत्ता को, प्राची को इतनी करीब से देखा, क्या फील हो रहा है अंदर? यकीन नहीं आ रहा। आप इतने प्यारे लोग, आपने इतना अच्छा अजहर भाई की वॉक किया। इधर बैठो आराम से, इधर बैठिए आराम से बैठो। चलो एक और, एक आम आदमी को और मौका दीजिए, उठ के आइए आप। अब लारा के पास बैठिए, आइए आइए। भाई भूल जाइए कि लारा की शादी हुई है, प्राची की तो वैसे भी नहीं हुई है, आपको मौका मिल रहा है डबल ट्रबल। क्या कहना चाहेंगे खूबसूरती के बारे में? आप बहुत खूबसूरत हो, मैं यकीन नहीं कर रहा आपके बाजू में बैठा हूँ। हेलो जी, महेश भूपति कहते हैं, मैं ना लोहे का रैकेट बना के ला रहा हूँ। आप यार बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, शुक्रिया ब्रदर। मेहमान, ओए 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 ओए, आप सभी को मेरे दिल की गहराइयों से नमस्कार। कपूर भाई एक बात है, जब से आप आए ना मोहल्ले में रौनक आ गई है,
वरना डैडी की बासी मुंह देख देख कर मेरी तो ग्रोथ ही कम हो गई। बेटे इसी बासी मुंह ने पाल पोस के तुझे बड़ा किया है। पाल पोस से कोई बड़ा नहीं होता, इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है। क्या बात है, क्या बात है बेटे, मेहमानों के सामने बाप की बेइज्जती कर रहे, तुझे शर्म नहीं आती? आती है ना, मुझे उस दिन बहुत शर्म आई थी जिस दिन मामा ने कहा बेटे ये तेरे डैडी हैं। और बातें कर, और बातें कर, मजा आ रहा है। छोड़ो ना भैया, मैं एक सवाल पूछता हूँ। अजय सर एक क्रिकेट का सवाल आया है, पूछू? पूछना। 50 रुपए दोगे क्या? अबे इसमें क्रिकेट कहाँ से आ गया? 50 रुपए देंगे, मैं बैट लूंगा तभी तो क्रिकेट आएगा ना। सही बोला, दे दो। इतना दिमाग में पढ़ा लिखा नहीं हूँ। राजी आंटी से मांगूंगा, उनको बुरा लग जाएगा। मुझे क्यों बुरा लगेगा? फिर दो 100 रुपए। मैं पैसे नहीं लाई, सॉरी। छोड़ो पैसे की, छोड़ो, आप एक काम करो, आप मेरी मम्मी बन जाओ। वो कह रहा स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग के लिए बुलाते, आप आएंगी तो मेरी रिपोर्टेशन बढ़ जाएगी। हॉट मम्मी चाहिए। मैं मम्मी लगती हूँ क्या? नहीं है, पर कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। बेटा देख, ऐसी मम्मियाँ जिद की वजह से नहीं, पापा की काबिलियत की वजह से मिलती हैं। अच्छा आप बहुत ही क्यूट हो, आपके लिए कुछ भी। ठीक है चलो, एक चांस पे लेकर प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या डैडी आ जाओ। एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट, डैडी क्यों क्यों बुला रहा है? अरे आ रहे, वो ना गरीब आदमी है, वो भी खुश हो जाएगा। अगर ये जाएगा ना पापा तेरे साथ, इस मम्मी के साथ, तो मैं तेरे स्कूल का प्रिंसिपल हूँ फिर। चल लेके आ अपनी मम्मी को। आइए। May I come in, sir? Yeah, come in. How are you? How are you? ये क्या था? आज ईद नहीं है? मुझे लगा चांद निकला, शायद ईद होगी। तो आपको सिर्फ इधर दिखता है, इधर नहीं दिखता आपको? ये कौन है? ये मेरे डैडी हैं। अरे चलो मुर्गा बन जाओ। लेकिन मैं मुर्गा क्यों बनूं? बच्चे को घर पे तुम ही पढ़ाते हो ना, तो तुम्हारे कसूर है। चलो मुर्गे बन जाओ। आगे से मम्मी ने पढ़ाना है। आपने पढ़ाना है? हाँ जी। आप मेरे घर में आइएगा, मैं आपको ट्यूशन दूंगा। मैं क्यों आऊंगी? बच्चा आएगा ना। दुनिया में पहले मम्मी आएगी, बच्चा आया? मम्मी। तो फिर मम्मी आएगी ना पहले घर में? मम्मी आएगी तो बच्चे आ जाएंगे। डार्लिंग ये टीचर मुझे कुछ सही नहीं लगा। ओ, तेरे में कॉन्फिडेंस कैसे आया चप्पल पहन के डार्लिंग बोलने का प्राची को? तुझे शर्म नहीं आती? तुझे चेक शर्ट पहनी, बुजुर्ग भी पहनना छोड़ दिए ये शर्ट। यहाँ से बाहर निकली ठिम्मी डार्लिंग, चलो दबा जाओ और बच्चे को भी साथ में लगे जाओ, मम्मी को इधर छोड़ जाओ। यार आ जाओ, बेइज्जती जरूर करवानी होती। चलो ओए, चल चलो, किधर जाना है? ये बच्चे को लेके जा अपने, चल चलो। ये बाप बेटा बहुत तंग करते भाजी। प्राची सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। यार बेइज्जती करवा दी। पिया मेहंदी मांगा दे काटा कील से जाके साइकिल पे, पिया मेहंदी मांगा दे काटा कील से जाके साइकिल पे। पहले तो रिंकू भाजी आप अपना फेस कवर कर लीजिए। क्यों? ने भैया क्या कहे थे याद है आपको? क्या? दो पुरुष से ज्यादा कहीं भी दिखाई दें तो अपना फेस कवर करके रखिए, शकल मत दिखाइए। अरे तो इमरान हाशमी है, इनसे क्या शर्म? इनका जब गाना सुनते हैं ना तो तुम्हारे भैया उस दिन जल्दी घर आ जाते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, हम अपना परिचय करवा देते हैं। हमको रिंकू देवी कहते हैं, हमारी ननद है इसको संतोष कहते हैं। नमस्ते। और जो कभी कैच नहीं छोड़ते इनको अजरुद्दीन कहते हैं, और जो किसी को नहीं छोड़ते इमरान हाशमी कहते हैं।
को देख के ओए होए 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 कहते हैं। पैसे हम बता दें आपको लारा दत्ता जी, जैसे आप मिस यूनिवर्सल रह चुकी हैं ना, वैसे ये भी हमारे मोहल्ले की मिस यूनिवर्सल होते होते रह गई। वो छोटी छोटी प्रॉब्लम थी, हमें पता है। एक तो इनके साइज का गाउन नहीं बन रहा, दूसरा क्राउन नहीं बन रहा। ए लारा दत्ता जी, जी मैडम जी, तेरा सिखा दो मोटी को थोड़ा। आप थोड़ा सा हमको सिखाए दे। हाँ, 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 ऐसे जीतते हैं। हाँ, जैसे ऐसे बड़ा क्राउन ऐसे आता है और कोई कहता है कि देखिए जीतने वाले हैं जी। तो लंबी बहुत हैं। मैं तो लंबी हूँ जी। हाँ। हाँ। आपने हील्स पहन रखे? नहीं नहीं, नहीं मैंने नहीं, तो कुछ भी नहीं, देखो इसे थोड़ा सा नीचे कर। कपिल शर्मा, हमको अपनी शालीनता का पता है, हमको बीच में टोकने की जरूरत नहीं है। ये क्या कर रही तू बदतमीज़? लड़कियां मिनी स्कर्ट पहनती हैं तब तो तुम नहीं कहते हो। तो लड़कियों के डेढ़ फीट बाल नहीं होते तेरे जरा? बदतमीज कहेगी। अच्छा मैं अनाउंस करता हूँ, एंड द मिस यूनिवर्स अवार्ड्स गो टू लारा दत्ता। एंड द अवार्ड गो टू संतोष। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि हमारे जो भैया हैं इनकी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन इनकी आवाज बहुत अच्छी है, ये गाना बहुत अच्छा गाती है। अरे इनका गाना सुनकर ही तो भैया ऐसे पैर धो के इनके पीछे पड़ गए। हाथ धो के होता, पैर धो कौन पड़ता है? हमारे भैया वो कुछ भी धोए, आपको क्या? एक बार गाना सुना दीजिए ना, सब इंतजार कर रहे हैं। गाना सुना देते हैं आपको। ए चम्मच निकाल अपने। ए मोटी इधर आ जा। आ रहा है बस। आहा, अभी सुनिएगा। ए सही वाली साइड दिखाओ कैमरा पे, क्या करके बैठ गई? अरे तो कैसे बजाएंगे? इसकी सही वाली साइड कोई भी नहीं है। चम्मच पकड़ लेती। हाँ तो पकड़े हैं, अब खा भी लें क्या? अरे आप ऐसे लड़की रही हैं, एक दूसरे का खून क्यों नहीं कर देती? भीगे होंठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, लगे सा बरसा, हमको तन तेरा, वाह वाह, कभी मेरे साथ कोई रात गुजार। तुझे साढ़े तीन बजे तक मैं करूं प्यार। साढ़े तीन बजे तक? पौने चार बजे सुबह कारखाना निकल जाते हैं ना इसके भैया। अच्छा कंटिन्यू कंटिन्यू। लेकिन रिंकू भौजी तो कुछ भी नहीं है। अच्छा इनके फिल्म में गाना है, जोरदार गाना है एकदम। कौन सा? अरे कमाल का गाना है वो, अगर बज जाए तो देखिए कैसे हंगामा हो जाएगा। डीजे वाले बाबू इसका गाना बजा दे। अरे इनके फिल्म का है, हाँ इनके फिल्म का एक जोरदार गाना है, बजा दे। ये इस पे नहीं बजाने दे, उसको मरने दे। अरे बजाएंगे तो ना हम। लेकिन रिंकू भौजी ये डांस कर करके पेट में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, जिस काम के लिए आए थे वो पूरा कर ले। अरे हाँ, हम थोड़ी देर में आते। अजहर साहब आप यहीं रहिएगा, आपसे बात करना है, आपसे भी करना है। आप प्लीज अजहर की लाइफ पे फिल्म बन रही है, उनसे इंस्पायर्ड फिल्म बन रही है, तो लोगों को ऑलरेडी उनका पता है, उनके मैनरिज्म पता है, उनकी चाल ढाल कैसी उनको पता है,
आपके लिए वाकई में कितना मुश्किल रहा होगा मैं ये फील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक ऐसा हीरो जिसको हमेशा लड़कियों के पीछे भागने की आदत है, बॉल के पीछे भाग रहा है, तो इमरान भाई कितना मुश्किल था आपके लिए? इसमें अजहर भाई जिस तरह फील्ड पे चल के आते थे, उनका एक स्वैगर था, उनका एक करिश्मा था, स्टाइल था, एक लेजी चार्म था फील्ड पे, और उनके जो क्रिकेट के शॉट्स थे वो बहुत बहुत मुश्किल थे उसको ढालना कैरेक्टर में, क्योंकि मैं खुद को एक बहुत ही एक बिलो एवरेज गली क्रिकेटर मानता हूँ। हम भी मानते तभी तो आप फिल्मों में। इनकी जो लेग ग्लांस शॉट है आप तो जानते ही हैं, लेग ग्लांस और फ्लिक शॉट, ये आखिर में मुझे कहीं वो मास्टर किया मैंने जब हमने लंदन में शूटिंग की थी, एच बेस्टन और दाबेश्वर में, तो बहुत मुश्किल। अगर इनकी कलाइयाँ रबर जैसी हैं तो मेरी सीमेंट जैसी थी। मतलब आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और उसमें वो मेहनत रंग भी ला रही है, आपका फिल्म का ट्रेलर जो है बहुत ही बाकमाल लग रहा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.